कुछ शर्म है तुम्हारे में? सर, ये आप मुझसे किस टोन में बात कर रहे हैं? मेरी एक इज्जत है, एक मर्तबा है, आपको मुझसे इस टोन में बात करने का कोई हक नहीं। कौन सी इज्जत, कौन सा मर्तबा? तुमने लोगों के कमेंट्स अपने बारे में पढ़े हैं? बदमाश, बंद करदार। और उनका तो ख्याल है कि जितने तुमने मास्क अपने चेहरे पर लगाए थे सब उतर गए। सर, ये सब बकवास है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और तुम कहना चाहते हो कि ये सब फेक है और ये लड़की भी फेक है? बिल्कुल हो सकता है, आजकल डीप फेक टेक्नोलॉजी से इस तरह की वीडियो बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, फेक, तुम ठीक कह रहे हो, सब फेक था, मगर आज तुम मेरे आगे अपनी ओरिजिनल सेल्फ पे खड़े हुए हो। और वो तुम्हारी बेचारी बीवी, वो ठीक कह रही थी। You're a normal person, ए आश आदमी हो, सेल्फ सेंटर्ड हो। बस सर, इनफ इज इनफ। अब आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। इतने साल मैंने आपकी कंपनी में जॉब की है, आपकी कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचाया है? अपनी काबिलियत मैंने आपको दी है, लेकिन अपनी बेइज्जती करने का हक नहीं दिया। मत करो ये बड़ी बड़ी बातें, अपनी इज्जत तो तुमने सोशल मीडिया के हाथ में पकड़ा दी है। हर जगह चल रही है तुम्हारी बेशर्मी की एडवर्टाइजमेंट। आप कौन होते हैं मुझे ये सब बातें बोलने वाले? ओह शट अप, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और यू शट अप, बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे। अब अगर आपने एक लफ्ज भी और कहा ना, तो आपको और आपकी इस कंपनी को मैं अदालत में घसीटूंगा। और ये बड़ी बड़ी धमकियां मुझे मत दो, मैं जानता हूं तुम और तुम्हारी औकात और तुम्हारी इज्जत। अब बहुत हो गया, मैं इतनी बेइज्जती के बाद इस कंपनी में एक लम्हा नहीं रुकूंगा। ये सब बकवास के बाद, बेशर्मी के बाद तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं अपनी कंपनी में तुम जैसे निलायक आदमी को रखूंगा? निकलो यहां से, यू फाइट गेट हिम आउट ऑफ हियर। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद अभी और इसी वक्त आपकी कंपनी को और आपकी इस जॉब को लात मारता हूं। और आप देखिएगा, आपकी राइवल कंपनी को ज्वाइन करूंगा और फिर एक एक करके हर चीज आपसे छीन लूंगा मैं। और क्या शर्म, गेट हिम आउट ऑफ हियर। हाथ मत लगाना, जा रहा हूं मैं। यू टेक डिसीजन। क्या हुआ, क्या तकलीफ है, क्यों रोका है मुझे गेट पे? मिस्टर सुल्तान, यहां से जाने से पहले आपको ऑफिस क्लियरेंस शो करना पड़ेगा। क्या मतलब? सर, इस पोस्ट की वजह से जो कुछ आपके पास था वो सब कंपनी को वापस किए बगैर आप यहाँ से निकल नहीं सकते। ये सारी चीजें आप हमें लौटा दें। What nonsense! अपने वकील के मशवरे के बगैर मैं किसी भी रेजिग्नेशन लेटर पर साइन नहीं करूंगा। सर, ये रेजिग्नेशन लेटर नहीं बल्कि टर्मिनेशन लेटर है। कंपनी खुद आपको आपके बैड कैरेक्टर की वजह से खुद निकाल रही है। हाथ में रह के बात करना मेरे साथ। अब तुम बताओगे मुझे कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है बुरा? होता कौन है तू? सर, डोंट बी अग्रेसिव। मिस्टर सलमान वही कर रहे हैं जो उनको कहा गया है। प्लीज आप हमारे साथ कॉपरेट करें। कॉपरेट ही कर रहा हूँ, और क्या कॉपरेट करूँ? ये कपड़े भी उतार के दे दूँ? नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। इस पोस्ट की वजह से जो डेबिट कार्ड आपको दिए गए थे वो कंपनी कार्ड है, वो सब भी आपको वापस करना पड़ेगा। तुम्हारा लैपटॉप, मेरी गाड़ी की चाबी, डेबिट कार्ड चाहिए ना? क्यों, आगे डेबिट कार्ड्स फाड़ में जाओ।
कितना बदतमीज आदमी है, इसको अभी भी एहसास नहीं है। नशा उतर गया है लेकिन खुमार अभी भी बाकी है। इस आदमी को अभी तक एहसास ही नहीं है कि बर्बाद हो चुका है।